हाँ जी, गुड इवनिंग। आज असी जिहड़ा हैगा इनफाइनाइट सीरीज़ के लैक्चर नंबर 6 ते पहुँच गए हैं। लैक्चर नंबर 6 है जिहड़ा साडा लीबनिट्स अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट है, ते ये टेस्ट बहुत सौखा है। मेरे ख्याल सब तो छोटी वीडियो इसे दी बननी हैगी है तुहाडे को, अगर आपां इस टेस्ट नूं देखिए तुहाडे को। ठीक है जी, ए एन तुहाडे को एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होनी चाहिए है, ते मोनोटोनिक सीकुएंस होना चाहिए है। देखो बुक विच लिखा होएगा मोनोटोनिक सीक्वेंस, बस जो दा प्रूफ दिता होएगा तो स्पेसिफिकली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस लैके किया होएगा। ठीक है जी, स्टेटमेंट्स मोनोटोनिक सीक्वेंस दिता होएगा तो कोल जो मोनोटोनिक कह दें तो मतलब मोनोटोनिक इनक्रीजिंग की पॉसिबिलिटी भी है, डिक्रीजिंग की पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है जी, तो जोड़ा है थोड़े को सो आप मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीकुएंस लैके चलते हैं। ठीक है जी, सो ए एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीकुएंस है। ठीक है, एंड कन्वर्जिस टू जीरो, कन्वर्जिस टू जीरो मतलब जो एन अप्रोचिस टू इनफिनिटी होवे, एन अप्रोचिस टू इनफिनिटी तो ए एन जीरो चाहिए हो, उस केस विच आ सीरीज़ कन्वर्ज करती है। सीरीज़ की है माइनस वन की पावर, ठीक है, जोड़ा है एन माइनस वन ए एन इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है जी, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या इनक्रीजिंग लैंड च फर्क नहीं, एक केस लैके आप क्वेश्चन सोल्व कर लें, करना कुछ नहीं होंगे। उन्हें स्टार्टिंग च मोनोटोनिक लै लेना, फिर ए एन नू नैगेटिव ए एन लै लूगा, एक नैगेटिव कॉमन एक लिया है, सो दोनों चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, कोई रोले वाली गलबात है नहीं गई। ठीक है, बट हूँ अल्टरनेटिंग सीरीज़ कि होंगी, अल्टरनेटिंग सीरीज़ होंगी यदि पहचान की टेस्ट लगाना कदों है, अगर एक टर्म प्लस वाली एक माइनस वाली एक प्लस वाली एक माइनस वाली है तो उन्होंने अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। मतलब एन मोरे वन फिल की था, वन माइनस वन जीरो, ठीक है, तो ए वन आ जाएगा, तो मैं एन की वैल्यू दो फिल की थी, दो माइनस एक माइनस दो आ जाएगा, फिर मैं इतने तीन फिल की थी, ठीक है, तीन तो दो आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो इस तरह अल्टरनेटिंग सीरीज़ चल पैंती है थोड़े को। ठीक है जी, इसे मतलब है जे मैंने कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ दिती हुई, मैं सिर्फ सीकुएंस देखना, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग शो कर दो उसनों, नंबर एक नंबर दो थे एन अप्रोच इनफिनिटी ते जीरो शो कर दो, थोड़ा क्वेश्चन कन्वर्जेंट हो जाना। हूँ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग किमें करना है, कई बार लॉजिकल आइडिया भी लिया जा सकता है क्या थोड़े को। ठीक है जी, लॉजिकल आइडिया नाल भी हो जाता है, कई बार डेरिवेटिव नाल भी हो जाता है, कई बार नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ रही होंगी है तो वह घट रहा होंगे, उतों भी आइडिया हो जाता है। सो तो जिदा लग्या या फिर तुसी सीक्वेंस विच प्रूव करन दे तरीके भी देखे ने तुहाडे कोल। ठीक है जी, मोनोटोनिक इनक्रीज़ या डिक्रीज़ करन दे वो भी तुसी लगा सकते हो, जो तुहाडी इच्छा होवे तुसी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो सो आपां लई आ वाली सीकुएंस, ठीक है, तो यदि पहला देख लिया कि रूट वाला है तो वन ओवर एन का रूट ले लिया ए एन। ठीक है जी, इस अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ए एन पकड़ लिया। ठीक है, सो एन प्लस वन एन तो वड्डा हुंदा पता, सीकुएंस हुंदी ही नैचुरल नंबर है, रूट लिया उल्टा किया, उल्टा किया तो तुहाडे कोल आ गया। ठीक है, वड्डी वैल्यू तो आंसर छोटा, ठीक है, ए एन वड्डा ए एन प्लस वन तो बड़ी वैल्यू सी, आंसर छोटा आया हैगा। ठीक है जी, तो यह मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीकुएंस है। अगर सिंपली मैं ग्राफ इदां बनाउणा, जिउं जिउं थोड़ी वैल्यू आगे जाएगी थोड़ा आंसर छोटा आ रहा है। ठीक है जी, वैल्यू एन वन मैं उरे लिया, एन टू मैं उरे लिया, एन वन जिहड़ा हैगा तुहाडे पास आए, एन टू मैं आगे ले, वैल्यू मेरी बड़ी हुई बट आंसर मेरा छोटा हो गया। सो वही स्टोरी है तुहाडे कोल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, वैल्यू वड्डी बट आंसर छोटा। ठीक है जी, सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया थोड़े को। ठीक है जी, सो हले तक तो सारा दिख रहा थोड़े को। ठीक है जी, हूँ आप रह के गया एन अप्रोचिस टू इनफिनिटी सैट करना है थोड़े को। ठीक है जी, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बाय एनी मैथड कर सकते हो, सीकुएंस वाले चैप्टर से देखे एन अप्रोचिस टू इनफिनिटी लई वन ओवर इनफिनिटी जीरो, सो लिबनिट टेस्ट ना हो गया। हूँ सिंपल जी गल है, ये टेस्ट एक तो ना लैके आता, दूजा जो ना लैके ना भी आया थोड़े को तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ हो या तो यह लगता या फिर एबसोल्यूट वैल्यू लैके क्वेश्चन हों, सो उतो आइडिया ही मिल जाता। सो अगला क्वेश्चन है, उस तो बाद दूजी चीज़ एक ये ख्याल रखनी है कि जो मान लो थोड़ी सीरीज सैट नहीं हो रही, ठीक है, वैसे तो हो जाती है तो टर्म एक अद्धी ओमिट भी कर सकते हो थोड़े को। ठीक है, सो अपने को वन ओवर वन माइनस फोर इंटू थ्री, तो आप एक वैल्यू बना ली थोड़े को। ठीक है, वन ओवर फोर की पावर एन माइनस वन तो टू एन, तो वह बंदा आराम ना जिहड़ा है, देखो चार की जीरो, चार की एक, चार की दो चल रही है, इधर बन रहा एक तीन पाँच सत्त दो एन माइनस वन। सो जे मैं वैल्यू एन की वैल्यू एक सिलेक्ट करना, एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, इतने एक सिलेक्ट करके आ, सो चल जाएगा। ठीक है जी, उस तो बाद सारिया वैल्यूज नीचे हैं, क्लीयरली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है क्योंकि बेस तो एन इनक्रीज़ हो रहा है थोड़े को, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और एन अप्रोचिस टू इनफिनिटी लिया आप। ठीक
ठीक है जी। सो जेड़ा हैगा तोड़े को -1 ओवर इनफिनिटी तोड़े पास जेड़ा हैगा क्वेश्चन हो गया। सो जीरो आ गया बड़े आराम ना तोड़े को। सो अगला जेड़ा क्वेश्चन हैगा तोड़े को, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगा। सो ये पहला पूछा जा चुका हैगा। सो 1 ओवर xy नीचे आगे x+1 y+1 आगे x+2 y+2 एक बार प्लस है एक बार माइनस है। सो प्लस माइनस उरे एडजस्ट कर लिया, x तो एक बद रहा एक बद रहा। सो एंड उरे x+0 सोच सकते हैं आप, x+0 यदा मतलब एन अक्षरम तो एक घट आऊगा, n-1 तो 0 तो शुरू होया yn-1। ठीक है जी। सो आ टर्म हो गई जी थोड़िया, तो यदा मतलब an तुम बड़े आराम ना ले सकते हो है ना। उस तो बाद an+1 तुम ले लिया थोड़े को। ठीक है जी। तो हूँ जोड़ा है थोड़े को चाहे डिफरेंस लैके चेक कर लेना। ठीक है। सो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हैगा ये थोड़े को। ठीक है जी। तो बड़े आराम ना चेक हो जूगा वो तुम कर लियो। हूँ अगली बार वैल्यू जी आई आप एडजस्ट करनी हैगी है एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी 1 ओवर इनफिनिटी 0। सो ये भी क्वेश्चन आराम ना हो गया। ठीक है जी। आगे वैल्यू में थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सौखा टेस्ट है थोड़े को। हाँ जी। सो आगे फिर लॉग आ गया जी, 1 ओवर log n आ गया थोड़े को। सो ए एन की वैल्यू जी है लॉग एन आ गई, नीचे फिर बढ़ रही है वैल्यू फिर घटेगी। ठीक है। तुम डेरीवेटिव लैके कर लो, कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं गी, जिदा मर्जी कर लो। अगर n+1 n तो वड्डा है लॉग एन उल्टा करोगे तो भी हो जाता है लॉग इनफिनिटी इनफिनिटी 1 ओवर इनफिनिटी 0। सो ये भी क्वेश्चन हो गया थोड़े को। ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन है जोड़ा थोड़े को, थोड़ा जहा ध्यान देखना हैगा थोड़े कोश्चन की है। क्वेश्चन हैगा थोड़े को -1 की एन साइन k/n। ठीक है जी। सो साइन k/n हैगा थोड़े को, मतलब अगर मैं इनू थोनों लिख के दसा क्योंकि थोड़ा ये ना हिसाब किताब रखना पैदा। k/n है यदा मतलब तुम ए एन तो इनू ही पकड़ोगे ना साइन k/n। ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी ना तुम k पॉजिटिव मान लो, इनू कहने विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी। ठीक है। एक तो होगी ना के दी वैल्यू, या के दी वैल्यू पॉजिटिव होगी या के दी वैल्यू नैगेटिव होगी। ठीक है जी। मान लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी, यदा मतलब हूँ जे मैं एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी ए एन करा तो एन अप्रोचिज टू इनफिनिटी साइन k/n 1 ओवर इनफिनिटी 0 तो 0 आ वाली टर्म तो मेरी आराम नाल बन जानी हैगी है थोड़े को। ठीक है जी। हूँ आ गया थोड़े को कि आप मोनोटोनिक डिक्रीजिंग किमें शो करना है। देखो जदों आप सीकुएंस की गल करते हैं, सीकुएंस के अपन ये तो श्योरली है कि एन तो अपना नैचुरल नंबर होंगे हैगा थोड़े को, एन तो नैचुरल नंबर हैगा ही हैगा ये थोड़े को। बट आ k/n का चक्कर है जिमें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग करना। ठीक है। तुम आप k/n लिए क्या कोई इंटरवल सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं थोड़े को। आप कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एम सच दैट, हुण ध्यान नाल देखियो जी k/n। ठीक है। क्योंकि तुसी कल्ला k/n फिल करके देखो, अगर कल्ला k/n लैने आपां तुहाडे कोल। ठीक है। अगर मैं कल्ला k/n लैना, ध्यान नाल समझना k/n है, n अप्रोचिस टू इनफिनिटी है 0 है, इहदा मतलब सिंपल जी गल है k/n नाल सीकुएंस तो हैगा ही हैगा ना, के एन नाल सीकुएंस हैगा है, तो यदा मतलब थोड़े को किसी वैल्यू तो छोटे आओगे तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव एम सच दैट जिहड़ा इहदा मॉडुलस है वह किसी π/2 तो छोटा कर दाँ थोड़े को फोर आल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। सारियां लई नहीं होएगा, जे तुहानू सीकुएंस की डेफिनेशन आती है तो सीकुएंस की डेफिनेशन जिस चीज़ नूं मैं स्टेज कहना हुन्ना, इस स्टेज तो बाद एक मतलब कोई ऐसी मैं एन की वैल्यू किसी खास एम तो वड्डी सिलेक्ट कर सकता, मान लो दी बहुत छोटी वैल्यू के ने फिक्स हो जाने दी बहुत छोटी वैल्यू π/2 तो छोटी आराम नाल आ सकती है, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि तुसी लभ सकते हो। जे तुसी लभ सकते हो तो तुसी ऐ भी कह सकते हो मॉडुलस तो के पॉजिटिव मन एन पॉजिटिव है तो मतलब तुसी इसनों तुसी जेड़ा हैगा k/n नू पॉजिटिव हैगा ही हैगा 0 तो वड्डा π/2 तो छोटा ले सकते हो, आराम ना लेके जा सकते हैं थोड़े तो पास, क्योंकि के तुसी विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी मैं पेज ते कर रहा क्योंकि थोड़ी जी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है इस क्वेश्चन को करन च। ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ भी होगी। हूँ जे आ वाली चीज़ होगी तो तुसी मान लिया भी 0 तो मैं 90 दे विच इहदा मतलब तुसी साइन का ग्राफ है जिहड़ा 0 तो 90 दे विच ही घुमाउणा है, तो 0 तो 90 दे विच ज्यों ज्यों दे नीचे वैल्यू वधेगी उहदी वैल्यू घटेगी, इहदा मतलब है इस केस विच तुसी जिहड़ा है बड़े ठीक ठाक ढंग नाल कह सकते हो कि साइन के एन प्लस वन छोटा रहेगा साइन k/n तो इतों मोनोटोनिक डिक्रीजिंग पता लग जाता है। सो ये थोड़ा जहा रोला सी जी। ठीक है। तो मैं इन थोड़ा ज़्यादा क्लीयर कर दिता थोड़े को,
ठीक है, तो जड़ा है गया थोड़े को बाकी लिखा तो अभी अभी होया थोड़े को आ समझ आ गया थोनू, तो अभी है एन इनक्रीज करता वैल्यूज तो ये वाली चीज़ छोटी होंगी, बट इनू मैं तुसी इतने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं सी, मैं पूरा थोनू ए एज ए नाल सीकुएंस बना के दस देता, तो फिर यदा मतलब क्वेश्चन आराम ना हो जूगा। हूँ एक होर चीज़ है, मैं थोड़ा क्या सब तो छोटा लैक्चर होने वाला तो लैक्चर खत्म होने वाला, बस एक मिनट हौसले ना होर देख लो ठीक है, जे मान लो क्वेश्चन से जोड़ पै के आ जाए, सो जोड़ पा के आ गया तो आराम ना दो टेस्ट अड अड ला दो, चिंता कोई नहीं, कट्ठे नहीं जोड़न की कोशिश करी। सो कितना जी थोड़े को आप देख लिए थोड़े को, मैं इनू अलग कर दिता, मैं इनू अलग कर दिता ठीक है। सो ए बी सीरीज ना डाइवर्जेंट हो गया, ए चाहे एलिमिनेट्स ना जो मर्जी हो गए है ना, बट जे एक चीज़ थोड़े क्वेश्चन डाइवर्जेंट आ गई थोड़ा रिजल्ट तो डाइवर्जेंट ही रहना है ठीक है जी। ए एलिमिनेट्स ना कन्वर्जेंट हो भी गया कोई मतलब नहीं, जो डाइवर्जेंट वाली चीज़ बैठी है उस फाइनाइट टर्म जुड़ के कुछ नहीं कर सकती ठीक है जी। सो इतने थोड़ा एलिमिनेट्स टेस्ट खत्म है जी, तुम आराम क्वेश्चन कर पाओगे थोड़े को। हूँ इस तो बाद रह के गया आपने जड़ा है आप डीएलएमबर्ट और रेशो तक कर लिया, कॉची रूट कॉची इंटैग्रल स्टार्टिंग कंपैरिजन, हूँ जो डीएलएमबर्ट फेल होगा तो रैबिज लगेगा, तो रैबिज की फेल होने की भी जी है थोड़े को चांस होंगे ने, फिर मतलब असी डीएलएमबर्ट तो बाद सीधा ही जो फेलियर अवॉयड करना हो असी गॉस लावे। हूँ असी सिर्फ एक डीएलएमबर्ट वह फेलियर कितने है उस फेलियर से रैबिज कदों लगता है तो जड़ा है थोड़े को गॉस कदों लगता है, दो लैक्चर से ये चीज़ें समझा वो तो बाद थोड़ी सीरीज खत्म, और मेरे ख्याल तीन क्वेश्चन तुम पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो ठीक है जी। थैंक यू।